नमस्कार, सबसे अकाल एसआई ट्यूब में एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पटना से 40 किलोमीटर दूर आए हैं माता रानी जगदम्बा के मंदिर में। वो है करौता के नाम से विख्यात। ऐसी मान्यता है कि माता रानी का दर्शन करने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हम चले हैं अपनी टीम के साथ में। अब यहाँ के लोगों से भी हम जानकारी लेंगे, यहाँ के पुरोहित ब्राह्मणों बाबा लोग से भी जानकारी लेंगे। मैं भी प्रसाद के साथ में आया हूँ और आज माता रानी के चरणों में मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। तो चलिए हमारे साथ और तैयार हो जाइए। माता रानी जगदम्बा की जय। पूजा कर लिए हैं, अब आइए। ये माता जगदम्बा रानी का है और ये बिहार के कोने कोने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। खास करके नवरात्र का समय जब होता है तो यहाँ पर अपार भीड़ होती है दर्शन करने के लिए, क्योंकि इनकी मनोकामना जो भी अगर मांगते हैं यहाँ से माता रानी सबको कृपा करती है। माता रानी जगदम्बा का ये स्थान जो आप देख सकते हैं, ये पेड़ है और यही यहाँ पर जो जागता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बाबा है, बाबा प्रणाम। बाबा क्या धारणा, क्या मान्यता है बाबा? ये बहुत ही लंबा इतिहास है। जी जी। बहुत लंबा इतिहास है। यहाँ पर न शक्ति पीठ है, न खंड पीठ है, न सिद्ध पीठ है। एक अद्भुत उद्गम हुआ है पीपल के बीच से, जो माता और बहन हजारों हजार संख्या में आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार उर्फ राघव जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सत्यार्थी। कहाँ से आई हैं? हिलसा से। जी? हिलसा से। अब देखिए, आप हिलसा से आ गई हैं, महिला श्रद्धालु है, इनसे भी पूछे क्या मान्यता है माता रानी? यहाँ दोनों बेटा डॉक्टर बना दिए माता, दो दो बेटा डॉक्टर बना दिए तो माता बना दिए। जी, माता और बहनों को मानना है कि जो भी आस्था लेके आते हैं ये माता सुनते हैं, सबके मनोकामना पूर्ण होती है या होता है। जो भी भक्त आते हैं पाँच मंगल या दो मंगल श्रद्धा से, ये ऐसा अंतर्यामी है कि उनकी दिल की बात अंतर्यामी है ही, सुनते हैं उनको मनोकामना पूर्ण होता है। और ये एक धारणा है कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ का जो मान्यता जो है वो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप किसी रूप में आए, माता रानी से खुलकर आप मांगिए, आपको माता रानी झोली जरूर भरेंगे। कुछ और श्रद्धालु से भी हम जानकारी लेंगे। यहाँ का जो ये जो आप जो ये जो दृश्य देख रहे हैं, खूबसूरत सा ये दृश्य आप जो देख रहे हैं, ये पूरा प्रांगण, ये सिर्फ मंदिर का ही प्रांगण है और ये सिर्फ यहाँ लोकल का नहीं बल्कि बिहार से बाहर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। हाँ साहेब, विकास पटना सिटी से आए, बेगमपुर। अच्छा अच्छा, क्या क्या यहाँ क्या मान्यता है मंदिर आप दर्शन करने के? बस दर्शन करने के लिए आए हैं। पहली बार आए क्या? नहीं, दूसरी बार आ रहे हैं। क्या कोई मान्यता कोई है? मान्यता कुछ नहीं है, बस यही दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम हुआ बाबा? गोपाल पांडे हुआ। गोपाल बाबा बताइए मंदिर की क्या क्या विशेषता है? मंदिर के हरी मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है, विशेष करके पुत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ विशेष करके माना जाता है। और ये कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी जब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, उसमें जितना भी धार्मिक हिंदू धार्मिक का मंदिर मिला वो मंदिर को ध्वस्त करते हुए गया। उस समय से ये खंडित मूर्ति की पूजा होती है। उससे पहले से ही इनका संपूर्ण शरीर था, इनका संपूर्ण मूर्ति का पूजा होता था। और 1993 के बाद में अरविंद मारसा मास्टर साहब हैं, वो इनके नींव डाले और उसके बाद ये मंदिर को आगे बढ़ाए और उन दिन से आज तक लगे हुए हैं। ये है पटना से 40 किलोमीटर दूर है जगदम्बा माता का मंदिर, करौता में हम हैं। और यहाँ पर जो देख सकते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से श्रद्धालु आए हैं, मत्था टेके हैं, दर्शन किए हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एसएसआई ट्यूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अंदाज नए उत्साह के साथ में। तब तक बाय 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 बाय।